अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नई वीडियो। आज की वीडियो मैं रात से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे कज़न है अरसलान भाई, वो अमेरिका से पाकिस्तान आए हुए हैं। स्पेशल खालों को मिलने आए थे, पर उनकी खाला से आखिरी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि जब उन्होंने पाकिस्तान आना था ना, तो उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले उमरा करना था। वो सऊदी अरेबिया उन्होंने एक हफ़्ता रहना था उधर। जब वो सऊदी अरेबिया गए ना, तो उनको वहाँ पर 4 दिन हुए थे। तो इधर मेरी खाला की ना डेथ हो गई थी, उनकी खाला से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर वो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आए, और आज उनको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है पाकिस्तान आए हुए, और आज उन्होंने वापस जाना, उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना। मुझे मेरे कज़न का मैसेज आया कि आदिल, हम अरसलान भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलते हैं, और यार एक वीडियो भी बना लेंगे इस बारे में, और मैं आपको आज अरसलान भाई से इंशाल्लाह मिलाता हूँ। अभी मैं थोड़ा जल्दी में, क्योंकि अरसलान भाई वहाँ पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं साकिब के घर जा रहा हूँ, वहाँ से अरसलान भाई को पिक करना है, और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ठीक है। तो भी जा रहे हैं? हाँ जी। तो मिल तो लेना। चीप कर देते हैं। चीप कर देते हैं। चलो भाई अब निकलते हैं। स्वयं बैठो। मोटरवे पर चढ़ने से पहले ना कार की हवा ना चेक कर रहे हैं टायर्स की। तो यार लाहौर जा रहे हैं, कुछ खाने के पीने के लिए पकड़ते हैं टक शॉप से, इतनी देर में वो हवा भी भर लेंगे। सफेन जल्दी आओ, चीजें पकड़ ली हैं, निकलते हैं। अरसलान भाई मेरे 5 मामुओं में से सबसे बड़े मामू की बेटी हैं, और ये मेरे सब कज़न्स में से ना सबसे बड़े कज़न अरसलान भाई हैं, और ये पिछले 25 साल से अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रह रहे हैं, और आखिरी बार पाकिस्तान 2021 में आए थे, और इनके साथ काफ़ी इन्जॉय किया था। इसी तरह अरसलान भाई से गपशप लगाते हुए हम पहुंचे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। ये डोमेस्टिक फ्लाइट वाला जहाज खड़ा है, सेरीन एयरलाइन। अरसलान भाई को खुदा हाफिज कह दिया है, बाकी अल्लाह उनको उनके मंजिल तक खैर खैर से पहुँचाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ उनका सफ़र अच्छा गुजरेगा। अब यहाँ से निकलते हैं वापस और चलते हैं अपने शहर सियालकोट।
सलाम भाई को एयरपोर्ट छोड़ के घर वापस आ गए हैं और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, नींद आ गई, थकावट भी काफ़ी हो गया सफ़र करके। आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म ही कर रहा हूँ, आज की वीडियो को नेक्स्ट डे पर ले जाती हैं, कल एक दो ज़रूरी काम है फिर वो काम करके ना तो वीडियो को ख़त्म करेंगे। ऐसा करते हैं कल मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, मैं नींद पूरी कर लूँ। दी नेक्स्ट डे, अस्सलाम वालेकुम, आज नेक्स्ट डे है, आज अच्छी नींद पूरी करके अभी उठे हैं और आज का पहला काम ये है, मेरे मामू हैं उनकी कार का ना इंजन चेंज करवाना, काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे, आज का पहला काम ये करते हैं, इंजन चेंज करवाते हैं, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह और हो सकता है वाश भी करवा लें। अभी चलते हैं मामू घर और वहाँ से ना कार पकड़ते हैं, बाइक पर जाऊँगा, बाइक उधर पार कर दूँगा और कार ले कर ना वहाँ से जाएँगे। गाड़ी इधर ही है, ये रही कार, ये तो ऑलरेडी वॉश हुई है, मुझे लग रही है आज वॉश हुई है, हाँ वॉश हुई भी है, तो इसको वॉश नहीं करवाना आज, इसका ना इंजन वाला एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा यार, मैंने आपको पहले बताया मेरे ना पांच मामू हैं और पांच में से ना तीन आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अमेरिका होते हैं, और ये अभी जिस घर कार पार्क है ना ये भी मामू ना अमेरिका होते हैं, कार इनके घर पार्क है, यहाँ से कार लेते हैं और इंजन चेंज करवाते हैं। हाँ मामू की कार मैंने बाहर निकाल दिया और अपनी बाइक अंदर पार्क कर दिया, वापसी में ले लूँगा बाइक। अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंजन साथ लाना भूल गया हूँ, अभी घर से इंजन पकड़ दिया। ये पड़ाव इसमें इंजन है, एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, इस सर्विस स्टेशन से ये हमारे घर के पास है, इधर से करवाते हैं इंजन चेंज। ये पुराना फिल्टर है, काफी ज्यादा गंदा हुआ है, ये फिल्टर लगेगा इस जगह, कार को जो इंजन आइल है ना पुराना वो चेंज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मामू की कार का इंजन चेंज करवा लिया है, अब इसको चलते हैं और घर पार्क करते हैं। बाइक ये खड़ी हुई, चाबी देते हैं और चलते हैं। चलो यार चलते हैं। मामू की कार के इंजन वाला काम डन हो गया और अभी अंधेरा भी हो गया, मगर भी इंसानी हो रही है और आज मौसम देखो सिर्फ रेड रेड हुआ है इस साइड पे भी। इस वक्त 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, आज की वीडियो में अरसलान भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप किया और मामू मुझे काफ़ी देर से कह रहे थे इंजन ऑयल का, आज इंजन ऑयल भी उनकी कार का चेंज करवा लिया। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आज का शेर अरसलान भाई के लिए है कि आज फिर से कहा है अलविदा तुझको मगर खैर तेरी यादों पर ही गुजारा कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।